राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है।
اس کے اختتام پر کنزا اور دانش ایک پیارا بر لمحہ شیئر کرتے ہیں اور ان کی محبت چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل ایس ایم اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دردی دل کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کنزا اور دانش کی ملاقاتیں جاری رہی اور ان کی محبت مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ چپکے چپکے ملنے لگتے ہیں، سب کی نظروں سے دور، کہانیاں اور ہنسی بانٹتے ہوئے۔ جب وہ ایک ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی نفرت بے بنیاد ہے اور ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ کنزا اپنی سب سے اچھی دوست سارا کو دانش کے ساتھ اپنی چھپ کر ملاقاتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ سارا اسی نتائج کے بارے میں خبردار کرتی ہے، لیکن اس کا راز رکھنے کا وعدہ کرتی ہے۔ دوسری طرف دانش کے والد احمد اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے منصوبے کا اعلان کرتے ہیں، جس سے کنزا کا خاندان کے ساتھ دشمنی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اختتام پر کنزا اور دانش ایک پیارا بر لمحہ شیئر کرتے ہیں اور ان کی محبت چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل ایس ایم اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دردی دل کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کنزا اور دانش کی ملاقاتیں جاری رہی اور ان کی محبت مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ چپکے چپکے ملنے لگتے ہیں، سب کی نظروں سے دور، کہانیاں اور ہنسی بانٹتے ہوئے۔ جب وہ ایک ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی نفرت بے بنیاد ہے اور ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ کنزا اپنی سب سے اچھی دوست سارا کو دانش کے ساتھ اپنی چھپ کر ملاقاتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ سارا اسی نتائج کے بارے میں خبردار کرتی ہے، لیکن اس کا راز رکھنے کا وعدہ کرتی ہے۔ دوسری طرف دانش کے والد احمد اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے منصوبے کا اعلان کرتے ہیں، جس سے کنزا کا خاندان کے ساتھ دشمنی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اختتام پر کنزا اور دانش ایک پیارا بر لمحہ شیئر کرتے ہیں اور ان کی محبت چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل ایس ایم اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دردی دل کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کنزا اور دانش کی ملاقاتیں جاری رہی اور ان کی محبت مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ چپکے چپکے ملنے لگتے ہیں، سب کی نظروں سے دور، کہانیاں اور ہنسی بانٹتے ہوئے۔ جب وہ ایک ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی نفرت بے بنیاد ہے اور ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ کنزا اپنی سب سے اچھی دوست سارا کو دانش کے ساتھ اپنی چھپ کر ملاقاتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ سارا اسی نتائج کے بارے میں خبردار کرتی ہے، لیکن اس کا راز رکھنے کا وعدہ کرتی ہے۔ دوسری طرف دانش کے والد احمد اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے منصوبے کا اعلان کرتے ہیں، جس سے کنزا کا خاندان کے ساتھ دشمنی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اختتام پر کنزا اور دانش ایک پیارا بر لمحہ شیئر کرتے ہیں اور ان کی محبت چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل ایس ایم اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دردی دل کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کنزا اور دانش کی ملاقاتیں جاری رہی اور ان کی محبت مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ چپکے چپکے ملنے لگتے ہیں، سب کی نظروں سے دور، کہانیاں اور ہنسی بانٹتے ہوئے۔ جب وہ ایک ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی نفرت بے بنیاد ہے اور ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ کنزا اپنی سب سے اچھی دوست سارا کو دانش کے ساتھ اپنی چھپ کر ملاقاتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ سارا اسی نتائج کے بارے میں خبردار کرتی ہے، لیکن اس کا راز رکھنے کا وعدہ کرتی ہے۔ دوسری طرف دانش کے والد احمد اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے منصوبے کا اعلان کرتے ہیں، جس سے کنزا کا خاندان کے ساتھ دشمنی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اختتام پر کنزا اور دانش ایک پیارا بر لمحہ شیئر کرتے ہیں اور ان کی محبت
छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं सबकी नज़रों से दूर, कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं सबकी नज़रों से दूर, कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं सबकी नज़रों से दूर, कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं सबकी नज़रों से दूर, कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीजे के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तितम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीजे के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तितम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीजे के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तितम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीजे के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तितम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए।
जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीजे के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीजे के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीजे के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीजे के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है।
किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है, लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है, लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है, लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है, लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत बेबुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है, लेकिन इसके राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद
अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत
छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। किंजा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को दानिश के साथ अपनी छुपकर मुलाकातों के बारे में बताती है। सारा इसी नतीज के बारे में खबरदार करती है लेकिन इसका राज रखने का वादा करती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद अहमद अपने कारोबार को वसत देने के मंसूबे का ऐलान करते हैं जिससे किंजा का ख़ानदान के साथ दुश्मनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अख्तिताम पर किंजा और दानिश एक प्यारा बर लम्हा शेयर करते हैं और उनकी मोहब्बत छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्दी दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की मुलाकातें जारी रही और उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जा रही है। वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, सबकी नज़रों से दूर कहानियां और हंसी बांटते हुए। जब वो एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की नफरत भी बुनियाद है और इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है।